हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डेल्टा का जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसमें आप इक्वलाइज़र और ट्रेबल कैसे सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट अपन को क्या करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेटअप, तो आपको सेटअप पे जाना है और यहाँ से इसको चेंज करना है। फिर क्या करना है आपको फ्रेंड्स कि जो जैसे साउंड पे जो आया है तो साउंड पे अंदर जाना है, अपन को एंटर करना है। इक्वलाइज़र जो है उसको अपन को ऑन ऑफ करना है, यहाँ से अपन कर सकते हैं। अगर ये प्री सेट है लाइक ये जैज़, रॉक, पॉप, क्लासिक, हिप हॉप, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ये अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आप इसको रॉक पे ले जाते हैं तो बेस और ट्रेबल जो है इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। लाइक अगर आप इसको पॉप में करते हैं तो ये -1, ये +1 हो गया है ट्रेबल। तो मैं रॉक सेट करके रखता हूँ, और अगर आपको इसको खुद से कस्टमाइज़ करना है तो आप खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसे। सिंपल सी चीज़ है, और अभी आप सुन पा रहे होंगे ये जो बीप की आवाज़ आ रही है, आप इसको भी बंद कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप सिस्टम पे जाइए, सिस्टम पे जो बीप आता है इस पे एंटर करके ये ऑफ। तो आप देख पा रहे होंगे अब कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको बेसिक सा सेटअप्स हैं जो टूडन म्यूज़िक सिस्टम में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये चीज़ आप करके देखिए, और अगर आपको कोई भी क्वायरी या डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।